आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली रूटीन की ये दूसरी सब्जी। यह है गवार फली की सब्जी। आज हम गवार फली की सब्जी ऐसे बनाएंगे कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फटाफट से ये बन भी जाएगी। तो ये हमारी गर्मियों की स्पेशल सब्जी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धा फूड गैलरी में आप सभी का स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे भी टच कर दीजिएगा और ऑल टच कर दीजिएगा ताकि मेरी रेसिपीज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसके लिए हमने ले लिए ये गवार फली। ये मैंने 400 ग्राम जितनी गवार फली है इसे हम कट कर लेंगे। पहले अच्छे से इसे धो लेंगे, साफ कर लेंगे और इसमें जो मोटी मोटी गवार फली यदि बीज वाली हो तो उसे हटा देंगे। हमें से पतली पतली ही गवार फली हमें चाहिएगी। तो इसे एक ही साइज मैंने कट किया है। इसकी जो हेड और टेल है उसे हटा देंगे कट करके और इस तरह से सारी गवार फली एक ही साइज की हम कट कर लेंगे। तो ये सारी गवार फली को मैंने कट कर लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है इसे, ये देखिए। और अब एक बोल लेंगे और उसके अंदर हम ले लेंगे आधी कटोरी गेहूं का आटा और आधी कटोरी ही हम ले लेंगे बेसन। तो आज हम गवार ढोकली का सब्जी बनाएंगे जो गुजरात के फेमस है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब इस आटे में हम कुछ मसाले डाल देंगे, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून और इसी के साथ में आधी चम्मच हम डाल देंगे इसमें दही। इससे हमारे ढोकली जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से और इसको एक आटा गूंथ लेंगे हम। तो एक सॉफ्ट डो बनाना है हमें इसका, इस तरह से इसे ढक कर रख देंगे अभी हम थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। और इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। इसे हम चॉपर में कट कर लेंगे। तो ये चॉपर में कट करने से एक जैसे कट होते हैं और बहुत ही अच्छे से एकदम ग्राइंड भी नहीं होते हैं पेस्ट जैसे, और इसे दरदरे पीस कर तैयार होते हैं। तो इस तरह से चॉपर में ही कट कीजिएगा। ये चॉपर सबके घर में होना ही चाहिए, बहुत ही आसान हो जाता है इससे काम करना। तो ये हर किचन के एक होना ही चाहिए, ये जरूरत वाली चीज़ है। तो इस तरह का ये चॉपर आप जरूर से खरीद लीजिएगा ना हो तो, और हो तो इसी में कट कीजिएगा। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने टमाटर को भी इसी में कट कर लिया है। अब ढोकली बना लेंगे हम। तो इसके लिए ये हमने आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इस तरह से इसको सिलेंडर टाइप रोल बना लेंगे और इसके एक जैसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। और अब हर एक को गोला बनाकर इस तरह से इसकी ढोकली बनाएंगे। तो एक पार्ट लेंगे हम इस तरह से, इसको हाथों से इस तरह से गोला बनाएंगे और ऊपर से इस तरह से अंगूठे से प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो पूरा इसे बेल कर और स्क्वायर शेप में या किसी भी शेप में कट भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाया है, ये बहुत अच्छी दिखती है दिखने में इसलिए, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से सारी ढोकली बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये सारी ढोकली मैंने तैयार कर ली है, इसे निकाल लेंगे एक बोल में। अब एक कुकर लेंगे और इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल अच्छा गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे आधी चम्मच राई और इसके साथ में आधी चम्मच हमने अजवाइन डाली है। तो जो गवार फली होती है वो थोड़ी वायु कारक होती है तो इससे वायु नहीं होगी। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, खुशबू भी अच्छी आती है इसकी। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और हमने जो ये चॉप करके रखे थे प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, तो उसे डाल देंगे और अच्छे से इसे सौते कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेक लेंगे। अब एक कटोरी लिया, उसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लिया है मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च, दोनों मिक्स है इसमें। और ये है मेरी चटनी, तो चटनी बनी हुई है ये तिल और मूंगफली के दाने जो हैं उसे सेक कर, उसमें लहसुन डालकर, मिर्च डालकर मैं चटनी बनाकर रखती हूँ, वो हम इसमें डालेंगे। यदि आपके पास चटनी नहीं है तो आप इसमें तिल और मूंगफली के जो दाने होते हैं उसे सेक कर पीस लीजिए और इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, ये डालने से हमारे मसाले जलते नहीं हैं। तो इस तरह से हम पानी डालकर इसमें मसालों को डालेंगे तो मसाले अच्छे से भून भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। तो इसको पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे, मसालों के पेस्ट को, और अच्छे से इसे भून लेंगे।
अच्छे से इसे भुनना है जब तक ये ऑयल छोड़ ना दे। तब तक अब हमने जो ये टमाटर को चॉप करके रखा है वो डाल देंगे इसमें और इसे भी अच्छे से इसके साथ में हम भूनेंगे। तो जब भी हम टमाटर डालते हैं कभी भी तो उसके साथ में थोड़ा सा नमक डालते हैं तभी टमाटर अच्छे से पक सकेंगे। तो थोड़ा सा नमक डाला है मैंने इसमें टमाटर के हिसाब से और इसे अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के ढक कर। ये कुकर के ढक्कन को लगाया नहीं है मैंने, ऐसा ही ढका है और ये देखिए तेल छोड़ दिया है ग्रेवी ने और अच्छे से पक गई है हमारी ग्रेवी। अब हम इसमें गवार फली डाल देंगे जो हमने कट करके रखी थी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आज हम ये सब्जी कुकर में ही बना रहे हैं तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे हम, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में एक बॉईल आ जाए तब तक इसे गर्म करेंगे। तो ये पानी में एक बॉईल आ गया है, अब हम इसमें हमारी जो ढोकलिया बनाकर हमने तैयार करी है वो इसमें डाल देंगे। तो सारी ढोकली को इसमें हम डाल देंगे तो ढोकली इसके साथ में अच्छे से पक जाएगी। मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें पूरी सब्जी के हिसाब से नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार नमक डालिएगा इसमें। और अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे फाइनली और अब इसमें 2 से 3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। 3 सीटी आने के बाद में इसे मैंने ठंडा होने दिया है कुकर को अपने आप और अब हम इसे खोलेंगे तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो आपको इस बॉइलिंग जैसा ना लगे इसलिए थोड़ी सी देर के लिए इसे चला सकते हैं गैस को चालू करके। अब चेक कर लेंगे हमारी ढोकली अच्छे से पक चुकी है कि नहीं, तो इसे कट करके देखेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक गई है, चिपक नहीं रही है चाकू में, ये देखिए। और गवार फली भी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे, आधे नींबू से भी कम मैंने नींबू डाला है इसमें और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ के साथ में हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा गर्म मसाले का उपयोग नहीं करना चाहिए गर्मियों में, बस खुशबू के लिए थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे। और साथ में हम डाल देंगे हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारी सब्जी बनकर तैयार है। सर्व कर देंगे इसे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। ऐसे भी बच्चे गवार फली नहीं खाते हैं लेकिन ये गवार फली की सब्जी जरूर से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। जरूर से आप इसे ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मुझे बताइएगा। और मेरी रेसिपीज यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसे मैंने सर्व किया है चपाती और रस के साथ में, ये आम रस है। अभी आम रस का सीजन है और आम रस के सीजन में गवार फली के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए मिलते हैं नई सब्जी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।